गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। शैडोज मीन्स छाया, छाया आगे होती है। नाउ एक्टिविटी टू के अंदर हम पढ़ेंगे, नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। एक एक करके सारे जितने भी ओपेक ऑब्जेक्ट हैं उनको सनलाइट में आप क्या करें, देखें। स्लाइटली अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड में क्या दिखाई दे रहा है। यू नो दैट द डार्क पैचेस फॉर्म्ड बाय ईच ऑफ द ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो। तो आप देखेंगे जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट सनलाइट में ले जा रहे हैं तो उसका ग्राउंड में क्या बन रहा है, एक ब्लैक पैच बन रहा है, डार्क पैच बन रहा है, और इसी को क्या बोला जाता है, इसको ही शैडो बोला जाता है। समटाइम यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाई लुकिंग एट इट्स शैडो। कभी कभी क्या होगा कि आप शैडो को देखकर ही उस ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको 11.2 में एक फिगर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको एक ट्री का फिगर दिया गया है ऊपर में, और नीचे में जो आपका ये दूसरा है ये कोई एक स्क्वायर है या एक बॉक्स है। स्प्रेड अ सीड ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, आपको क्या करना है, एक सीड ऑफ पेपर ग्राउंड में रखना है। होल्ड अ फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट सो दैट इट्स शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द सीड ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। आपने क्या करना है, कोई एक फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट को आपने लेना है और उसे कुछ हाइट में आपने अपने हाथ से पकड़ना है, और उसके बाद उसकी शैडो को फॉर्म करना है हमने उस पेपर की सीट पे जिसे हमने ग्राउंड पे बिछा रखा है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू डार्क ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शैडो व्हाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। अपने एक दोस्त से आपने बोलना है कि आप उस शैडो की क्या बना लें, आउटलाइन बना लें जिस जब आपने उसे होल्ड किया है। ड्रॉ आउटलाइन इन द शैडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन सिमिलर वे। ऐसे ही आपने क्या करना है, दूसरे ऑब्जेक्ट के शैडोज को के भी आउटर लाइन को आपने बना लेना है। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस आउटलाइन ऑफ शैडोज। अपने दूसरे दोस्तों से आपने उन शैडोज को, उन ऑब्जेक्ट के शैडोज को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलना है। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, आपके दोस्त कितने सारे ऑब्जेक्ट को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम, क्या आपने आप अपने शैडो को डार्क रूम में देख सकते हैं, और एट नाइट या फिर रात्रि के समय में। व्हेन देयर इज नो लाइट, जब वहाँ पर लाइट प्रेजेंट ना हो। डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन द रूम। तो क्या आप शैडो को तब देख पाते हैं जब कमरे में केवल एक ही सोर्स से लाइट आ रही हो। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो। तो इस सब से हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें अगर किसी चीज़ का शैडो देखना है तो सबसे पहले हमें वो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, साथ ही उसके साथ साथ क्या चाहिए होगा, एक लाइट का भी सोर्स हमें चाहिए होगा, तब जा कर के हम उस ऑब्जेक्ट का शैडो उस ऑब्जेक्ट के पीछे देख पाएंगे। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, क्या इसके अलावा और भी कोई चीज़ चाहिए। एक्टिविटी थ्री, दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क, जिसको आपने क्या करना है, अंधेरे कमरे में करना है। इन द इवनिंग गो आउट इन द ओपन ग्राउंड विथ अ फ्यू फ्रेंड, टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज सीट ऑफ कार्डबोर्ड। आपने क्या करना है, एक टॉर्च लेना है और एक लार्ज सीट ऑफ कार्डबोर्ड लेना है विथ यू। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर
फ्रेंड्स फेस। अब आपने क्या करना है कि टॉर्च से इस प्रकार से लाइट लगानी है कि वो ऊपर की ओर आपके दोस्त के फेस पर उसकी लाइट फोकस हो। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आप देखोगे कि जो लाइट है वो फॉल हो रही है आपके दोस्त पर या फिर उस ओपेक ऑब्जेक्ट में। इस देयर विल वेयर नो ट्री इफ देयर विल वेयर नो ट्री अगर वहाँ कोई भी ट्री नहीं हो, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड यूअर फ्रेंड, यू विल सी द ऑब्जेक्ट ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। तब आप क्या देखेंगे, तब आप केवल अपने फ्रेंड के हेड का ही शैडो देख पाएंगे। दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शैडो। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ शैडो नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड, क्योंकि आपकी बॉडी की वजह से वहाँ पर लाइट क्या नहीं हो पाती है, आपकी बॉडी के आर पार नहीं हो पाती है, इस वजह से हमें शैडो दिखाई देती है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड सीट बिहाइंड योर फ्रेंड, इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड सीट। क्या आपकी जो दोस्त है उसकी शैडो भी कार्डबोर्ड में दिखाई दे रही है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक पर्सन है और यहाँ से लाइट को फोकस किया जा रहा है आगे से, तो इस बच्चे का जो शैडो है वो इस कार्डबोर्ड शीट के अंदर बन जा रहा है। ठीक है, थस द शैडो कैन बी सीन ओनली अ स्क्रीन। तो हम बोल सकते हैं जो शैडो होती है वो कहाँ पर दिखाई देती है, स्क्रीन के ऊपर। द ग्राउंड वॉल ऑफ अ रूम अ बिल्डिंग और सच सरफेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शैडोज यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। तो जब हम अपनी एवरीडे लाइफ में डिफरेंट ऑब्जेक्ट की शैडोज को देखते हैं, तो वहाँ पर जो ग्राउंड होती है या जो वॉल होती है रूम की या बिल्डिंग है और ऐसे ही अदर जो सरफेसेस हैं वो क्या होते हैं, वो वहाँ पर स्क्रीन का काम करते हैं शैडोज को दिखाने का। शैडोज गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शैडो से उस ऑब्जेक्ट का शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सम शैडोज कैन मिस्ट अस अबाउट द स्पेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन फिगर 14.4 आर अ फ्यू शैडोज दैट वी कैन क्रिएट विथ अवर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शैडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हैव फन। तो जैसा फिगर 11.4 में आपको दिखाई दिया है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट एनिमल्स हैं उनके शैडोज को फॉर्म कर सकते हैं अपने हाथों से, और उसके बाद आप इससे क्या कर सकते हैं, दूसरों का हम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 3 में इतना ही है, इसके बाद एक्टिविटी 4 है और ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।